बनाने जा रहे हैं लेबनी चिकन। इसके लिए हमें लेने होंगे चिकन ड्रम्स 6 से 8 पीसेस जो नॉर्मल टेम्परेचर में हो, जो फ्रोजन ना हो। फिर उनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम उनको चाकू की मदद से स्लिप मार्क्स लगाए जाएंगे इसके अंदर वो साइड से, ताकि ये मसाले अच्छे से पकड़ लें। उनको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद, हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया, इसके बाद हम इन्हें चाकू की मदद से स्लाइड दोनों साइड से स्लाइड मार लेंगे, ताकि ये मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें और इनके अंदर बेहतरीन स्वाद जो मसालों का आ जाए। उसके बाद सावधानी से काटेंगे, ताकि पूरे मीट सेपरेट ना हो जाए। इस वजह से इनको हल्का हल्का चीरा लगाने, ताकि इनके अंदर अच्छे से मसाला बैठ सके। मैंने इन्हें अच्छे से काट लिया और इनके चाकू की मदद से डीपली मार्क्स मार दिए। इसके बाद दोस्तों अब मैंने ये चिकन ले लिया। इसके बाद मैं इनको अच्छे से स्लिट मार रहा हूँ, ताकि ये मसाले अच्छे से पकड़ पाएँ और इनके अंदर एक बेहतरीन टेस्ट आ पाए, जो आपको वो एक अच्छा सा डिलीशियस स्वाद और उसके अंदर तक जो उसको पकने में भी मदद करेगा और मसाले भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। हम लेंगे एक बॉल या एक पैन जो भी है आपके पास, उसको ले लीजिए। उसमें 2 चम्मच दही ले लीजिए, हैंकर्ड होनी चाहिए जिसमें पानी ना हो। मुस्लिम क्लॉथ की सहायता से आप उसे छान लीजिए। उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कीजिए। मैंने 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसके अंदर, जो फ्रेश और फ्रेगनेंस देगा। उसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। उसमें थोड़ा पापरिका पाउडर डाला है मैंने, पापरिका पाउडर भी अच्छा उसके अंदर फ्रेगनेंस लाएगा और अच्छा सा फ्लेवर देगा आपको। उसके बाद मैंने उसमें क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डाला है, जो इसको अच्छा बेहतरीन स्वाद देगा। और इसके लिए स्वाद अनुसार नमक इसमें ज़रूर ऐड करें, ताकि इसको अंदर तक मसाले पकड़ लें और नमक अंदर तक उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अभी ये सब मिश्रण के साथ इसमें मैंने थोड़े गरम मसाले, जावित्री, तेजपत्ता, जायफल का मैंने गरम मसाला बनाया है, जो उसको अंदर से एक हीटनेस देगा। खाते समय आपको एक बॉडी को लिए जो हेल्प होगी और जो अच्छा एकदम टेस्टीनेस लाएगा इसके अंदर। थोड़ा ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर, या आप चाहे तो थोड़ा सा घी ऐड करें, जो मसालों को फ्लेवर रिलीज करने में मदद करता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स मसाज कर दिया इसकी। ये मैरिनेशन देखिए दोस्तों, ना तो बहुत हैवी है ना बहुत लिक्विडी है, एकदम परफेक्ट मैरिनेशन बनी है। और उसके बाद मैंने चिकन लिया, चिकन का पूरा पानी अच्छे से हाथ से निचोड़ के डालें, ताकि ये मसाले पकड़ सके। चिकन में अगर पानी होगा तो ये मसाले नहीं पकड़ेगा दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें। चिकन को काटने के बाद थोड़ी देर के लिए आप एक स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दें, ताकि वो पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद इसे मिक्स मिश्रण में मिलाए अच्छे से, सॉफ्ट हाथों से मसाज करें, मिनिमम 4 से 5 मिनट मसाज करें। मसाज करने के बाद इसे मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ना होगा, ताकि मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले चिकन अंदर तक। इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड किया है, ताकि इसकी टेंडरनेस बरकरार रहेगी और उसको एक अच्छा स्वाद मिल पाएगा। दोस्तों अब हमने इसे मिक्स कर दिया है, इसको अब हमें थोड़ा देर रेस्ट के लिए छोड़ना होगा।
आ गए हम इसे कुकिंग स्टेप के अंदर। इसके लिए आपको एक नाइस थोड़ा मोटे तले वाला पैन लेना होगा, जिसको बीस थोड़ा मोटा हो। उसको एक अच्छे से हीट दे दीजिए, मिनिमम 3 से 4 मिनट के लिए आप पहले उसे प्री हीट कर दीजिए। थोड़ा ऑयल डाल के उसको नॉन स्टिक बना दीजिए, ताकि और उसमें कुछ भी चिपके ना, और आपका चिकन की क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कीजिए। पैन को एकदम नाइसली हॉट, सीलिंग हॉट होना चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और चिकन को स्लोली स्लोली ड्रॉप कर दिया है, ताकि एक अच्छा सा जो कलर है इसका वो बरकरार रहेगा, ब्राउनिश कलर ज़्यादा जले ये देना। इसके लिए मिनिमम 2 से 3 मिनट के अंदर से टर्न करें, और मिनिमम 8 से 10 मिनट इसे पकाएं। आपको कोई ओवन की ज़रूरत ना ही है, ना ग्रिलर की, ना आपको तंदूर की ज़रूरत है। आपको हम पैन में ही बढ़िया सा शानदार चिकन बना के दिखाएंगे। इसको मिनिमम 10 से 15 मिनट पकाएं, 3-3 मिनट में आप फ्लिप करते रहें, और देखिए कितनी शानदार मैरिनेशन बनी है इसकी। ना तो थिक है, ना तो ज़्यादा पतली है, ना ज़्यादा गाढ़ी है। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही बनी है ये, एकदम एक्यूरेट। मसालों को देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी धीरे धीरे आप जो कर चुके हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन चिकन है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार, इसको रोटी के साथ या सलाद के साथ जरूर खाएं, और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे मुझे फ्यूचर में और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इसकी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कुछ भी आपके क्वेश्चन हो करीज से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको फ्यूचर में किसी और नई वीडियो के साथ। आप रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लजीज और टेस्टी ये आपको होममेड बारबेक्यू पार्टी के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों। करिएगा आप ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको सैलेड या ब्रेड के साथ जरूर ट्राई करिए। आप इसे रोल बना के भी खा सकते हैं, और सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एकदम जूसी चिकन है, और टेस्ट तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। माउथ वाटर आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपी लाता रहूँगा।